लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च को होने वाली है और अभी भी झारखंड में भाजपा 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाई है। चतरा और धनबाद लोकसभा सीट पर पेच फंसा हुआ है। जल्द ही लोकसभा सीट पर तस्वीर साफ हो इसे लेकर खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड पहुंचे। चतरा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद रांची में भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक कर रणनीति तय की। राजनाथ सिंह का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले शीर्ष नेतृत्व का जो संदेश है वो देने की कोशिश राजनाथ सिंह की ओर से प्रदेश के नेताओं को होगी। रक्षा मंत्री मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर भाजपा जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जैसे पिछली बार 12 लोकसभा सीट जनता ने भाजपा की झोली में डालने का काम किया था। मैं दो कार्यक्रमों से होकर आप सबसे बातचीत कर रहा हूं और जैसा माहौल मैंने देखा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारे सहयोगी दल यानी NDA उसको निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है। वर्तमान जो सरकार है उसकी अराजकता और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और ये मोदी जी ने ताकत लगाकर दी झारखंड का कुछ विकास न किया होगा। और यह बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में ही आए थे 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे, ऐसे ही हजारों करोड़ रुपये का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार प्रदेश में भी बन जाए तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूँ कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी और झारखंड भी एक जो हिंदुस्तान के कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं उन राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। राजनाथ सिंह भले ही इसे रूटीन दौरा बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चतरा और धनबाद लोकसभा सीट पर राजपूत समाज के कैंडिडेट की मांग की जा रही है, ऐसे में राजनाथ सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं, तो साफ है कि राजनाथ सिंह राजपूत समाज के जो दावेदार है उनका भी फीडबैक स्थानीय नेताओं से लिया हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।